तो हेलो मैकेनिक भाई और मेरे दोस्तों, देखिए आज मेरे पास है एक्सेल 100 TVS हैवी ड्यूटी, जो इसमें लाइटिंग का इशू है। ये जो बल्ब दिख रहा है प्रो, ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है, कम मात्रा से जल रहा है। तो हम चेकअप करेंगे अभी, क्यों कम मात्रा से जल रहा है तो हम वायरिंग का चेकअप करेंगे। थोड़ा पकड़ना, देखिए हम स्टार्ट मारेंगे। इतना कम मात्रा से चल रहा है, एक चल रहा है उसको नहीं चल रहा है, क्यों क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो हम वायरिंग किसके देखेंगे अभी, लाइटिंग का वायरिंग है जो येलो कलर का है। तीसरा उसमें वायरिंग का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम चेकअप करेंगे, यहाँ चेकअप करेंगे मैग्नेट से। मैग्नेट से जो रेगुलेटर में जाता है इनपुट बोर्ड, वो हम चेकअप करेंगे पहले। मेरे पास है टेस्टिंग लैंप, उसकी मदद से हम चेकअप करेंगे। तो चलिए येलो कलर में रेड वाला लगा दिया, ब्लैक कलर में ब्लैक को लगा दिया, तो ठीक मारने पर जलना चाहिए। ये जल रहा है, हमारा मैग्नेट से पूरा करंट आ रहा है। तो अभी इसको लगा देंगे, अभी आउटपुट चेकअप करेंगे रेगुलेटर का। जो ये जो है येलो कलर और ये आर्थिंग, ये हो गया स्टार्टिंग का जो इंजन स्विच में जाता है, ये हो गया ब्लैक बॉडी आर्थिंग, ये हो गया येलो कलर लाइटिंग का। तो अभी येलो कलर में रेड वाला वायर लगा दिया, ब्लैक कलर में ब्लैक वाला लगा दिया। तो अभी आउटपुट चेकअप करेंगे कितना मात्रा से करंट आ रहा है। देखिए ये हमारा सही है, अभी सीधा जाएंगे वहां पे। ये है, ये सीधा वायरिंग से आते हुए यहाँ पे सॉकेट में जाते हुए हैंडल में हैंडल बार स्विच में जाते हुए। तो येलो कलर का जो कलेक्शन है, इसमें रेड वाला वायर लगा दिया, अभी ये बॉडी आर्थिंग लगाएंगे ठीक मरे। ये जलना चाहिए, और सॉरी स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट करें। यहाँ तक हमारा कारण जो पूरा बराबर आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ हो सकता है, ये डायरेक्ट स्विच में चला जाता है, स्टोर रहता है वहाँ पे जाके। तो अभी स्विच में हम चेकअप करेंगे, तो लगा दिया स्विच में, क्या हुआ देखिए इतना कम मात्रा से चल रहा है। तो स्विच में वायरिंग का दिक्कत हो सकता है। तो अभी देखिए लाइट प्रूफ है, ये देखिए कितना करंट फैल गया। ये यहाँ पे जो वायरिंग है ये खींच रहा है, इसके कारण यहाँ पे करंट बराबर नहीं, स्विच का कारण भी है ये प्रॉब्लम है। तो अभी स्विच को ठीक करेंगे। तो ये स्विच जो है इसको सफाई करेंगे और अच्छी तरह से इसको टैपिंग कर देंगे।
नहीं खींचना चाहिए, इसके कारण ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो चलिए इसको हम कवर करता हूँ, ठीक कर देता हूँ, बाद में ओके मैम। तो फाइनली देखिए अभी हमारा बल्ब जो इतना जल रहा है सही हो गया। तो ये स्विच में प्रॉब्लम था, इस स्विच में हम स्विच को खोल के सफाई किया और वायरिंग खींचा हुआ था, इसके कारण वहाँ से वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा था बराबर से, इसके कारण नहीं जल रहा था। तो अभी ठीक हो गया। तो इसी तरह के मेरे चैनल पे हर डे वीडियो आते रहेंगे। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।